महाराष्ट्र की राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ने अरुणाचल प्रदेश में खाता खोलते हुए 30 सीटों पर जीत दर्ज की। इसके तहत ही राष्ट्रीय अध्यक्ष अजीत दादा पवार ने पार्टी प्रभारी मोहित पाटिल और उत्तर पूर्व समन्वयक संजय प्रजापति के साथ विजय उम्मीदवारों को बधाई दी। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि हमारे नव निर्वाचित विधायक निखिल कामीन, लिखा सोनी और टोकू टैटम राजनीतिक परिदृश्य में महत्वपूर्ण योगदान देने के लिए तैयार हैं। वहीं मुख्य राष्ट्रीय प्रवक्ता ब्रजमोहन श्रीवास्तव ने जीत का श्रेय अरुणाचल प्रदेश में पार्टी कार्यकर्ताओं और नेताओं के उत्साही प्रयासों को दिया। उन्होंने कहा कि एनसीपी को कुल वोट का 10.06% वोट मिला है और इसी कड़ी में पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता ब्रजमोहन श्रीवास्तव ने इस बात पर जोर दिया कि हम अगले 5 वर्षों के लिए नई विधानसभा का गठन करने जा रहे हैं, इसलिए हम पारदर्शिता, ईमानदारी और समावेशी शासन के सिद्धांतों को बनाए रखने का संकल्प लेते हैं।